दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। जी हाँ, मैं हूँ शाहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के मूनलाइट मैरिज गार्डन में, और खुशी की बात यह है कि जो सभी का इंटरव्यू लेते हैं तारिक मोहम्मद हाशमी हमारे साथ में मौजूद हैं, शादी के बंधन में बन चुके हैं और अपने हम सफ़र के साथ यहाँ पर वो मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं। तारिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसा लग रहा है? शुक्रिया आपका। अब आपको, अभी आपकी शादी हुई नहीं है, पता चलेगा आपको जब होगी कैसा लगता है। नहीं, फिर भी आप अपनी अहलिया के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम आपके चाहने वाले यहाँ पर हैं, परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपको लग रहा है? अभी तक मंचों पे हम दूसरों का कवरेज करने जाते थे और आज हमारा पहली बार कवरेज हो रहा है और मंच पर हम आज बैठे हुए हैं और अपनी शरीक आयात के साथ, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा लग रहा है और लगना भी चाहिए अच्छा। आपके वर्षों की तमन्ना जो है वो पूरी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये तमन्ना तो सबको होती है मेरे ख्याल से, तो जैसा सबको लगता है वैसे ही मुझे लग रहा है, लगता है मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये थोड़ी शादी बहुप्रतीक्षित थी जिसे कहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा। क्या प्लानिंग की है, कहाँ जाने वाले हैं बाहर? ये बातें अगर हम आपको बता देंगे तो फिर आप पीछे नहीं आ जाएंगे हमारे जैसे यहाँ आकर? नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन कुछ प्लान किया होगा आपने? बिल्कुल विदेश यात्रा पर जाएंगे, इतना कह सकते हैं। विदेश यात्रा पर जी। भाभी जी हैं तारिक जी की अहलिया, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अनम खान जी, भाभी कैसा लग रहा है आपको? शायद पाबंदी हो कोई, इसी वजह से भाभी जो है बोलने से कुछ कतरा रही है, खामोश रहती हैं, इस वजह से होता है। और हम तो मीडिया वाले हैं, अगर कोई दूसरा दूल्हा होता तो शायद ना बोल पाता इतना जी। तो तमाम दर्शकों को कभी शुक्रिया जो कि हमारा वो चैनल देखते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बकायदा पूरी किट के साथ यहाँ पर आए हैं। हमें नहीं पता था कि आप ये शायद पहली इत्तेफाक ऐसा होगा, पहली शादी होगी जिसका ये न्यूज़ चैनल पर कवरेज हो रहा है। तो सभी लोगों का शुक्रिया, जितने मेहमान आए उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी लोगों का शुक्रिया जिन जिन का करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप तो मेरे परिवार के लोगों से भी बात करें और मेरे ससुराल के लोगों से भी बात करें, मेरी सास से भी बात करें, आप मेरे ब्रदर इन लॉ से भी बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, मैं तो लोगों से मुखातब होते ही रहता हूँ। बिल्कुल, आपके तमाम चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं और मुलाकात लगातार आपसे कर रहे हैं। अब एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काम पर कब वापस आ रहे हैं आप? बहुत जल्द लौटेंगे, अब इजाज़त लेनी पड़ेगी घर काम पर जाने के लिए, तो इसलिए पहले इजाज़त ले लें और फिर आते हैं काम पर। मतलब ये माना जाए कि दर्शकों के साथ तारिक हाशमी जी बहुत जल्द रूबरू होंगे? बिल्कुल, बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी। बहुत शुक्रिया आप दोनों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं सागर टीवी न्यूज़ के पूरे परिवार की ओर से। थैंक यू। और तारिक हाशमी जी का पूरा परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। मैं सबसे बात कर लेता हूँ कि कैसा लग रहा है। ये तारिक हाशमी जी की बहन है जेवा हाशमी, मैं बात करता हूँ, कैसा लग रहा है जेवा जी आपको, आज आपके भाई की शादी है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगी, भाभी आ गई हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी, उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छी हो, अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे। तारिक हाशमी जी के वालिद साहब पापा जी यहाँ पर मौजूद हैं, आपको कैसा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है? बस आज तो खुशी का कोई इंतहा नहीं है, बेपना खुशी है और बस चारों तरफ खुशियां हैं, और अल्लाह से इनकी दुआ है कि अल्लाह इनको खुश हो, आबाद रखे, सारे ज़माने की खुशियां इनको नसीब हों, वो ये खूब तरक्की करें, इनकी ये ऐसी आसमान को छूए। एक नए मेहमान का आगाज़ घर में हुआ, नए मेहमान आपके घर में एक और आ गए हैं बहू के रूप में जी, कैसा लग रहा है? अरे वो तो बहुत बेहतरीन, बहुत खुशी हो रही है उसके आने की, उसके लिए भी ये दिली दुआएं हैं कि वो भी अल्लाह ताला उसको खुश रखे, आबाद रखे, उसके मतलब खुशियां चार चांद लगे, यही उससे अल्लाह से दुआ है हमारी, और बहुत बहुत बेपनाह मसरत, बेपनाह खुशियां हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ना। ये मम्मी हैं तारिक हाशमी जी की, आज आपके बेटे के सर पे सेहरा सजा है, बहू साथ में है, कैसा लग रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? आप बता नहीं सकते जैसा हमें महसूस हो रहा है, इतनी खुशी है कि बयान नहीं हो सकती कि कितनी खुशी है हमको। आपके बड़े बेटे हैं, उस नाते कितनी खुशी है?
बड़े बेटे की पहली शादी हुई है, मतलब पहली बार शादी हुई है हमारे घर में, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी की अम्मी है, मतलब अनम जी की अम्मी है यहाँ पर। हर माँ बाप का ख्वाहिश होती है, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की शादी बहुत अरमानों से हो। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त, आपकी बेटी जो है दुल्हन बनी हुई है यहाँ पे? जाहिर है आप समझ सकते हैं, इस वक्त संवेदनाओं का एक भंवर आया हुआ है। बस आप जज्बात इतने ज़्यादा हैं कि उसको बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों में कहा नहीं जा सकता। और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि बहुत अच्छी जोड़ है इन लोगों की, और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और क्या कहना चाहेंगी आज इस जोड़े के लिए? आशीर्वाद ही हैं ढेरों, बस और क्या कह सकते हैं। दुआएं हैं कि इनके आगे की ज़िंदगी, इनका आगे का भविष्य भी इसी तरह से खुशहाल रहें ये लोग, और कामयाब रहें, इनकी ज़िंदगी सक्सेसफुल रहे, यही चाहेंगे हम इस। बिल्कुल, ये भाई है, आपको कैसा लग रहा है आज आपकी जो अप्पी हैं, जो बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, दुल्हन बनी हुई है आपके दूल्हा भाई जीजा जी यहाँ पर हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बेशक। एक बहन भाई का रिश्ता होता है वो बहुत अच्छा है, होता है, अच्छा माना जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। आज बहन विदा हो रही है तो कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा लग रहा है, वैसे थोड़ा दुख भी है और बाकी अच्छा है, दूल्हा भाई बढ़िया है। बढ़िया है दूल्हा भाई। हाँ दूल्हा भाई बढ़िया है। शम्मी हाशमी जी से भी हम बात कर लेते हैं, तारिक हाशमी के छोटे भाई हैं और बहुत हम कह सकते हैं आज वो खुश दिख रहे हैं, तो उनसे भी हम बात कर लें। शम्मी भाई कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है, दोनों को बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद, इनके भाभी के परिवार को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया, और इतना ही कहना चाहता हूँ। आज आपके बड़े भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप भी बैठेंगे। आपके सर पे कब सेहरा सज रहा है फिर? ये अभी नहीं कह सकता मैं, ये हमारी भाभी जब पसंद करेंगी फिर इंशाल्लाह ज़रूर, बहुत जल्दी आपको एक और इंटरव्यू का मौका मिल जाएगा। हम खालू यहाँ पर मौजूद हैं और कन्यादान जैसे लेते हैं, तो कन्यादान इन्होंने लिया है, क्या आप कहना चाहेंगे? ये हमारी बेटी है सर, इधर ससुराल से भी रिश्ता और इस साइड से भी मिसेज के इधर से भी रिश्ता है, तो इसलिए हम तो अपनी औलाद से ज़्यादा उनको रखेंगे। अब हमारी 5 बेटियाँ हो गई हैं, 3 का कन्या ध्यान लिया है हमने और तो एक हमारी रियल बेटी है, 4 हुई हैं। आप निकाई अब्बा हैं जी? निकाई अब्बा मतलब कन्यादान जैसे होता है वैसे ही समाज में, मुस्लिम समाज में निकाई अम्मा और निकाई अब्बा बोला जाता है, आप क्या कहना चाहेंगी? आप मैं निकाई अम्मा हूँ, ये मेरी कन्यादान आपने लिया है? जी हाँ, ये मैंने कन्यादान लिया है और मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा पसंद का दामाद मिला है मुझे, क्योंकि मेरी बेटी बहुत मासूम बेटी है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। खुश हैं आप? जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। बहुत। और सागर टीवी न्यूज़ के परिवार से भी तारिक हाशमी जी को शादी की ढेरों शुभकामनाएं। इस वक्त फिलहाल इतना ही, मैं हूँ शाहबाज खान, कैमरे के पीछे मेरे साथ दे रहे हैं शुभम सैनी, शुक्रिया।